नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 20 साल की उम्र में भैंस चुराने वाले 77 साल की उम्र में पकड़े गए। शहर लालगिरी हिरेमठ संस्थान में श्रावण के अवसर पर 16वां स्मरण उत्सव कार्यक्रम। कर्नाटका एक बार फिर CWRC से संपर्क करेगा और तमिलनाडु को पानी छोड़ने में असमर्थता व्यक्त करेगा, सिद्धरामैया ने कहा। BSY ने राहुल से टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा। HD कुमार स्वामी ने SC ST मामले में कर्नाटका के मंत्री सुधाकर की गिरफ्तारी की मांग की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जैसा कि कहा जाता है कि जिसने नमक खाया है उसे पानी पीना ही पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है जिसने अपराध किया हो और उसे सजा न मिले। इसी के चलते 20 साल की उम्र में 2 भैंसे और 1 बछड़ा चोरी करने के आरोप में खादिमा को 77 साल की उम्र में पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1965 में महाराष्ट्र के 2 लोगों ने बीदर जिले के भालकी तालुका के महकर गांव से 2 भैंसे और 1 बछड़ा चुराया था। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन जमानत पर रिहा हो गए। गनैया उर्फ गणपति फरार हो गए। 57 साल बाद लगातार आरोपी की तलाश कर रही पुलिस ने आरोपी गनैया को महाराष्ट्र जिले के नांदेड़ तालुके के ताकलगांव गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों में से दूसरे आरोपी किशन चंद्र की पहले ही मौत हो चुकी है और फिलहाल गिरफ्तार आरोपी गनैया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में SP संवाददाता से बात की, उन्होंने बताया कि जिले में कई वर्षों से लंबित कांडों में अभियुक्तों की पतासाजी के लिए गठित टीम द्वारा पिछले 2 माह में 12 अभियुक्तों को ढूंढकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि भैंस और बछड़ा चोरी का मामला राज्य का सबसे पुराना मामला है। हमारी टीम के लगातार प्रयासों के कारण मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा किया गया है। SP चन्नबसवना लंगोटी ने 57 साल पहले के मामले की जांच कर इनाम दिया और महकर थाने के काम की सराहना की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर जिले LPR प्रकरण करीती अंद्रे लांग पेंडिंग केसस् प्रकरण अंद्रे याव वंदु प्रकरण आरोपी दस्तगिरी आदमेले बेल तगोंडु एनंद्रे वापस्सु न्यायालयद वंदु प्रोसीडिंग्स गे ट्रायल गे विचारणे गे हाजरागिरोदिल्ल अंतवर मेले समन्स वारंट प्रोक्लेमेशन एल्ल होरडिसिद मेलेनू कूड अवरु पत्ते आगद संदर्भदल्लि ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿಶ್ಚಲ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವು ಏನಂದರೆ ಪತ್ತೆ ಆಗದೇನೆ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಆಗದೇನೆ ವಾಪಸ್ಸು ಏನಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೀಮ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ 1965 ಮೆಹಕರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎಮ್ಎ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಏನಿದೆ 2006 ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಏನಂದರೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PSI ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ASI ಮತ್ತು ಅಂಬಾದಾಸ್ CHC ಅವರ ಒಂದು ತಂಡ ಏನಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಏನಂದರೆ ಸರಾಸರಿ 77 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಏನಂದರೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 37 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವೊಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು.
बट ऐन आगे समय अरे हतोत्नूर अरव समय नोड़ा रैतरी ऐनू एमे आगली हसुआली बहुत ऐन बेले बंत वस्तु आवे याकंद्रे अद्रिंद हैनगारिके आगली। शहर लाड़गेरे हिरेमठ संस्था में श्रावण के अवसर पर आयोजित बिल्वार्चन रुद्राभिषेक और पर्वत लिंग शिवाचार्य के 16वें स्मरण उत्सव कार्यक्रम में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान पहुंचे और कार्यक्रम में भाग लिया। सावन के पूरे माह में सभी देवस्थानों में विशेष पूजा अर्चना आदि की जाती है। इस मौके पर देवस्थानों में भक्तों की संख्या अधिक होती है, लोग पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अरण्य द्वारा कर्नाटका विकास कार्यक्रम KDP की त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक 15 सितंबर को आयोजित की गई। जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे इसकी अध्यक्षता करने वाले थे। बैठक जिला पंचायत कार्यालय में सुबह 11:30 पर होने वाली थी, जिसे किसी कारण से स्थगित कर दिया गया। मुख्य योजना अधिकारी जिला पंचायत बीदर ने घोषणा में बताया कि स्थगित बैठक की स्थिति अगले कुछ दिनों में घोषित की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर नगरसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री एवं JDS नेता बंडपा खाशमपुर के आवास पर JDS के नगरसभा सदस्यों के साथ एक बैठक की, जिसमें आगामी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर विभिन्न वार्डों के काउंसलर मौजूद रहे। काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने बैठक में भाग लेकर अपने सुझाव दिए। इस बैठक में चुनाव को लेकर अहम फैसले किए गए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं KP न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड बीदर, 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि राज्य एक बार फिर कावेरी जल विनियम सीमित CWRC के समक्ष याचिका दायर कर तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने में असमर्थता व्यक्त करेगा। CWRC ने मंगलवार को सिफारिश की थी कि कर्नाटक अगले 15 दिनों तक पड़ोसी राज्य को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़े। मुख्यमंत्री जिन्होंने आज CWRC की सिफारिश के बाद एक विशेष आपातकालीन बैठक की और कहा कि उनकी सरकार पानी छोड़ने के संबंध में अपनी कानूनी टीम से परामर्श करेगी और निर्णय लेगी और जमीनी स्तर पर तथ्यात्मक स्थिति को समझाते हुए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। हम एक बार फिर CWRC के समक्ष याचिका दायर करेंगे और कहेंगे कि हमारे पास पानी नहीं है, इसीलिए हम पानी नहीं छोड़ सकते, इसलिए सिफारिश पर पुनर्विचार करें। देखते हैं वे क्या करेंगे, उसके आधार पर हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और कोर्ट को जमीनी हकीकत से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। पूर्व CM और BJP संसदीय बोर्ड के सदस्य BS येडियुरप्पा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनकी हाल की कथित टिप्पणियों पर सवाल उठाया। येडियुरप्पा ने आरोप लगाया कि राहुल को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने विदेशी धरती से हिंदुत्व के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि राहुल कहां है कि सरकार की लोकप्रियता में गिरावट आई है, उन पर सभी मोर्चों पर विफल होने का आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि 18 सितंबर से कुर्दमले से राज्यव्यापी राजनीतिक यात्रा शुरू होगी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए पूर्व CM सदानंद गौड़ा ने कहा, मैंने ऐसी सरकार कभी नहीं देखी जो सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर ही जनविरोधी हो गई हो। दोनों BJP नेता बेंगलुरु में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। JDS नेता HD कुमारस्वामी ने कर्नाटक के योजना और सांख्यिकी मंत्री डी सुधाकर की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ SC/ST अत्याचार का मामला दर्ज होने के बाद राज्य मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर करने की मांग की है। इस सरकार के तहत क्या हो रहा है जो दलितों की रक्षा का वादा करके सत्ता में आई है, एक मंत्री एक दलित को परेशान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता सुब्बम्मा और अन्य को कथित तौर पर धमकाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद येलंका पुलिस ने मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह बहस कथित तौर पर शिकायतकर्ता और एक रियल एस्टेट फर्म के बीच संपत्ति विवाद पर थी जिसमें सुधाकर निदेशक हैं। कुमारस्वामी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर निशाना साधा और उन पर मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482129।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड ने 12 सितंबर को दूसरी पूरक परीक्षा दो परिणाम 2023 घोषित किया, जो छात्र 21 अगस्त से 2 सितंबर के बीच दूसरी पूरक PU परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट nic.in.kar.res.ul.ts पर डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट स्ट्रीम से उपस्थित होने वाले 61,184 छात्रों में से 22,409 ने कर्नाटका PUC पूरक परीक्षा 2 उत्तीर्ण की है। कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 10,093 और 9,459 है। कक्षा 12वीं की परीक्षा 2023 के लिए nic.in.commerce स्ट्रीम से 36,289 छात्रों ने पंजीकरण कराया और साइंस स्ट्रीम से 21,720 छात्रों ने पंजीकरण कराया। PU कॉलेजों में दूसरी PUC सप्लीमेंट्री परीक्षा 2 का रिजल्ट 13 सितंबर को सुबह 10 बजे जारी किया गया। छात्र उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए 12 से 15 सितंबर के बीच आवेदन कर सकते हैं। प्रति विषय स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन शुल्क ₹530 है। पुनर्मूल्यांकन आवेदन और रीटोटलिंग 16 से 18 सितंबर तक की जा सकती है। कर्नाटका अल्पसंख्यक विकास निगम ने निगम की योजनाओं के खिलाफ और झूठी खबरें फैलाने के आरोप में एक नए चैनल और उसके मुख्य संपादक के खिलाफ शेषाद्रीपुरम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। KMDC के सहायक प्रशासक शिव कुमार ने राष्ट्रीय क्षेत्रीय चैनल आज तक और उसके मुख्य संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। KMDC बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार बनने के लिए ऑटो रिक्शा, सामान और टैक्सी खरीदने के लिए 50% या 3,00,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रहा था। इसके अलावा देवराज उर्स विकास निगम, डॉक्टर BR अम्बेडकर विकास निगम, वाल्मीकि विकास निगम और आदि जाम्भुआ विकास निगम द्वारा इसी तरह की कई योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बल्कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी थी। यह हिंदू समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए भी उपलब्ध था। इन योजनाओं को मौजूदा कांग्रेस सरकार ने नहीं बल्कि पिछली भाजपा सरकार ने लागू किया था, लेकिन समाचार चैनल ने इस खबर को यह कहते हुए तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि यह केवल सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों के लिए थी, जिससे हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। यह खबर और कुछ नहीं बल्कि झूठी और दुर्भावनापूर्ण थी। इसका उद्देश्य समाज में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना था। शिकायत में कहा गया है कि संबंधित समाचार चैनल के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।
बीजापुर जिलाधिकारी कार्यालय में पार्किंग खड़ी बाइक पर एक सांप बैठा हुआ था, जिसको देखकर तुरंत सांप पकड़ने वाले उमेश को बुलाया गया और उमेश ने अपनी सूझबूझ से सांप को अपने वश में कर जिंदा पकड़ लिया और उसे बाहरी क्षेत्र में छोड़ दिया। हालांकि परिसर में सांप को देख लोगों में कुछ देर के लिए हड़कंप मचा रहा। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून के लगातार कमजोर रहने के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट उपसमिति की बैठक में सूखाग्रस्त तालुकों को घोषित करने पर फैसला करेगी। उन्होंने बेंगलुरु में सूखे पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, जिसमें उपायुक्त और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले सप्ताह में राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 62 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने के योग्य के रूप में पहचाना है। सीएम ने कहा कि सरकार ने 83 तालुकों में सूखा सर्वेक्षण और 53 तालुकों में पुनर्सर्वेक्षण का आदेश दिया है और अधिकारियों को 11 सितंबर तक सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा कैबिनेट उप समिति की बैठक में इन सर्वेक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डीसी के पास सूखा राहत कार्यों के लिए अनुदान के रूप में 521.94 करोड़ रुपए हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 20 साल की उम्र में भैंस चुराने वाले 70 साल की उम्र में पकड़े गए। शहर लालगिरी हिरेमठ संस्थान में श्रावण के अवसर पर 16वां स्मरण उत्सव कार्यक्रम। कर्नाटक एक बार फिर सीडब्ल्यूआरसी से संपर्क करेगा और तमिलनाडु को पानी छोड़ने में असमर्थता व्यक्त करेगा, सिद्धरामैया ने कहा। बीएसवाई ने राहुल से टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा। एचडी कुमारस्वामी ने एससीएसटी मामले में कर्नाटक के मंत्री सुधाकर की गिरफ्तारी की मांग। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।